आइए हम कुछ फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखते हैं, किस प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। आइए उनको देखते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम जो है उदाहरण नंबर जो है फाइंड लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उदाहरण नंबर लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर उदाहरण नंबर ऑफ एंगल ई, और मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ले लेता हूँ। ए मतलब मैं लिखता हूँ कोस ए, अगर मैं इसको कोस ए लिखता हूँ बेस को, और परपेंडिकुलर को अगर साइन ए लिखता हूँ, और मैं अगर हाइपोटेन्यूज को 1 लिखता हूँ, तो ये लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर जो है मैं अगर बी एंगल के लिखता हूँ, यानी कोस बी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर साइन बी हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ओके, मेरी आवाज क्लियर होगी आपको। तो आइए हम इसको अब देखते हैं कि अगर उदाहरण नंबर एंगल ए प्लस बी के फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे, आप जानते हैं कैसे करते हैं। पहले बेस हम फाइंड आउट करते हैं। बेस के लिए हम क्या करते हैं, बेस के लिए हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं कोस ए कोस बी को और साइन ए साइन बी को, राइट। तो क्या होगा, तो हम जो है इसको लिखेंगे कोस ए और कोस बी, है ना, और माइनस में क्या लिखेंगे, साइन ए और साइन बी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, क्या बन गया, ये बेस बन गया। अब आइए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा बताइए। परपेंडिकुलर के लिए बनेगा साइन ए कॉस बी, और बीच में प्लस का साइन होगा, तो साइन कॉस ए साइन बी, ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए साइन बी, राइट। और ये जो है ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और एच वन एच टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा 1 × 1, ये 1 हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहें तो अगर यहाँ पर साइन, अगर ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन का मतलब क्या होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है, तो पी का मतलब क्या हो गया, तो पी का मतलब हो गया यहाँ साइन ए, ओके, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको देख रहे होंगे जो फॉर्मूला आप रखते हैं, तो इससे हम जो है फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये, राइट। इसी प्रकार से अगर स्टूडेंट्स कोस ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये आप बन सकता है कि फॉर्मुलेट द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी एंड कोस ए प्लस बी, इस प्रकार से ये आ सकता है, राइट। तो यूजिंग बोधाइन नंबर्स, तो ये देखो आपका कोस ए प्लस बी का मतलब, कोस मीन्स क्या होता है, बी बाई एच होता है, और बी आपका क्या है, बी आपका ये सब दे रखा है कोस ए कोस बी, यानी कोस ए और कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। तो ये जो है आपका क्या दिया हुआ, कोस हो गया। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर हमें निकालना है टेन ए प्लस बी, राइट, टेन ए प्लस बी अगर आपको फाइंड आउट करना है, टेन ए प्लस बी मीन्स पी बाई क्या होता है, बी होता है, पी मतलब क्या होता है, पी होता है यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर साइन ए कोस बी, है ना, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, राइट। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, कोस ए कोस बी,
है ना, बी बी, और माइनस साइन ए और साइन बी। तो ये जो है, अगर हम इसको सभी को कोस ए कोस बी से डिवाइड करें तो ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, तो डिवाइडिंग बाई, अगर हम डिवाइडिंग बाई इसको कोस ए एंड कोस बी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस ए कोस बी से क्या ये बनेगा, टेन ए आ जाएगा यहाँ, राइट। इसको कोस ए कोस बी से, कोस ए कोस बी से करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा टेन बी आ जाएगा, है ना। अगर हम इसको इसको कोस ए कोस बी से करेंगे तो वन आ जाएगा, और इसको हम कोस ए कोस बी से करेंगे तो ये टेन ए टेन बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है तरीका है हमारा निकालने का, कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू भी यहाँ से आ गई, कोस ए प्लस बी की भी वैल्यू यहाँ से आ गई, टेन ए प्लस बी की भी वैल्यू यहाँ से आ गई। इसी प्रकार यहाँ से अगर आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ए प्लस बी है तो कोसेकेंट ए प्लस बी की भी वैल्यू इसी फॉर्मूले से आ जाएगी, इसी प्रकार सेकंट ए प्लस बी की भी वैल्यू इसी फॉर्मूले से आ जाएगी, इसी प्रकार से कोटेंजेंट ए प्लस बी की भी वैल्यू आपको इसी फॉर्मूले से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, और ये जो है फॉर्मूले आपके आ गए। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप जो है कोथाइन नंबर यहाँ से ए माइनस बी के फाइंड आउट करें, और बस ये बस साइन चेंज हो जाएंगे, कोस ए कोस बी यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा बस, है ना। तो साइन ए और साइन बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा कोस ए साइन बी, राइट। तो यहाँ पर वन ही रहेगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि आप केवल साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते ही आपके वैल्यू, अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ सकती है इसमें, इस उदाहरण नंबर से बी माइनस ए से ए माइनस बी से, तो इसके द्वारा आपके सारे फॉर्मूले यानी साइन ए माइनस बी का भी यहाँ से फॉर्मूला आपको ट्राई हो जाएगा, कोस ए माइनस बी भी यहाँ से ट्राई हो जाएगा, और टेन ए माइनस बी भी यहाँ से ट्राई हो जाएगा, और इसी प्रकार से कोसिकेंट ए माइनस बी यहाँ से हो जाएगा, इसी प्रकार से सिकंट ए माइनस बी यहाँ से हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से टेंजेंट की जगह कोटेंजेंट ए माइनस बी यहाँ से हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये छह के छह जो है टी रेशियोज है केवल एक से ही, और 6 + 6 = 12 वैसे हो गए यहाँ पर, 6 + 6 = 12। आप देख रहे हैं कि 12 के 12 जो फॉर्मूले हैं केवल एक ही जो है कंसेप्ट से आपके डेवलप हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, और इससे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो प्रॉब्लम है इससे काफी सॉल्व हो सकती है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ, अगर ए एंगल आपके लिए बधाई नंबर है, मान लीजिए मैं ए एंगल कहता हूँ कोस ए और साइन ए, और अगर मैं ये वन लिखता हूँ, तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ कि ए मैं दोबारा से लिखता हूँ और एंगल बधाई नंबर यानी कोस ए और साइन ए और वन है, तो अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए व्हाट विल बी द साइन टू ए, साइन टू ए का आंसर बताइए, या साइन टू के फॉर्मूला को ड्राइव करिए, और कॉस टू ए के फॉर्मूले को ड्राइव करें, और टेन टू ए फॉर्मूले को ड्राइव करें यूजिंग बोधाइन नंबर्स। तो ये बोधाइन नंबर हमने लिखे हैं स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं ए मतलब ए प्लस ए क्या होगा, बोधाइन नंबर 2a हो जाएगा, और एड कर दिया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर बेस है माइनस करना होगा, परपेंडिकुलर प्लस करना होगा, और हाइपोटेन्यूज में तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अब बताएं स्टूडेंट्स क्या होगा, तो अगर हम कोस टू, अगर हम ट्वाइस एंगल के निकालते हैं तो कोस ए कोस स्क्वेयर ए हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोस स्क्वेयर ए, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर ए। तो ये जो है बेस आ गया एंगल ट्वाइस का तो माइनस हो गए, और स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए कोस ए, और यहाँ भी साइन ए कोस ए है, तो अगर दोनों को ऐड कर दे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 sin a cos a आ जाएगा, राइट।
और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आप sin 2a यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। sin 2a मतलब p/h होता है, और p आपका क्या है स्टूडेंट्स, 2 sin a cos a, और अपॉन 1 ही करना है तो सेम आएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स cos 2a अगर करना है b/h होता है, और b क्या है आपका स्टूडेंट्स, b है cos²a - sin²a अपॉन 1 होता है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स tan²a क्या आ जाएगा, tan²a मतलब p/b है ना, p/b, और p क्या है स्टूडेंट्स, 2 sin a और cos a अपॉन cos² है ना a -sin²a। अगर इसको हम डिवाइडिंग बाई इसे कर दें, इसे कर दें cos²a से कर दें, तो व्हाट यू गेट बताइए जरा, क्या आ जाएगा, 2 cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो sin/cos क्या हो जाएगा, tan a आ जाएगा है ना, और cos²/cos²1 आ जाएगा, और sin²/cos², ये 10² आ जाएगा, तो ये 1 - 10², तो 2 tan a अपॉन 1 - 10² a। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर टू यू, इट इज ओके। ये सभी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं आप, आपके क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है तो यू हैव टू ड्राइव द फॉर्मूले ऑफ यूजिंग दीज अबाउट हैंड नंबर्स, राइट। मुझे लगता है इट इज अंडरस्टूड टू ऑल, यस और नो सभी लिखे, क्या सभी को ये समझ में आ गया है, यस सभी को आ गया है, वेरी गुड। तो सभी जो है यस लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है सभी को ये आपको क्लियर हो गया है, और हम इसी की प्रैक्टिस करें, और हम ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से आपके आएंगी, तो हम कल जो है, कल इसी टाइम पर कल हम जो है 2 आवर्स हो सकता है, क्योंकि आज जो है प्रॉब्लम थी, क्योंकि कईयों पर नेट की प्रॉब्लम थी, कल हम जो है कल सुबह से ही आप ध्यान रखना, हम लोग क्लास लेंगे तो 2 घंटे लेंगे कल, ठीक है, 2 घंटे क्लास रहेगी, तो आप जो है उसको कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे इसकी, और कुछ दूसरा एक टॉपिक है वो भी लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे जो कंसेप्ट है अगर वैदिक मैथ से सोल्व होंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये केवल प्लस माइनस ही नहीं, हाई लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम इससे काफी सोल्व हो सकती है, राइट। कई लोगों को ये लगता है कि हम लोग केवल एलिमेंट्री लेवल का ही कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो है दूसरे भी इसमें हाई लेवल की चीजें भी आगे इसमें आएंगी। तो लेकिन अभी आपके सिलेबस में तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री, और आपके कुछ और भी चीजें हैं ऐसी जो कि मैंने अभी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वो नहीं अभी कराई, वो अभी 2-3 दिन 2-3 जो सेशन हमारे 4 सेशन रहते हैं उन सब में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपका जो है एग्जामिनेशन हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ओके, गुड नाइट टू ऑल।